बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा है, घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो आज की वीडियो में जो हम आपको मालूमात देने वाले हैं, वो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो चौगाठों के ऊपर जो बीम होते हैं, इनके बारे में आपको मालूमात देंगे। तो इस सिलसिले में हमारे साथ जो हैं वो वकार भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वकार भाई, ये जो बीम सामने वीडियो में शो हो रहा है, इसके डालने का क्या मतलब पर्पज़ क्या होता है? सर ये तो बीम वैसे तेगा लगाते हैं हम। अच्छा, क्योंकि इसके नीचे हमने डाला हुआ है बीम। ठीक है, तो इसके ऊपर तेगा नहीं लगाया हमने। जहाँ जहाँ पे दरवाजे चुगाठे हैं वहाँ पे सरिया रख दिया ऊपर। अच्छा, और जहाँ पे चुगाठे नहीं लगी यहाँ पे लकड़ी की चुगाठ लगनी है। अच्छा, तो ये वैसे खाली फ्रेम भी अगर ऐसे रहे तो इसके ऊपर हमने स्लैब बना के डाल दिया। इसमें तीन सरिये डाले हैं। तो इसका अच्छा, ये जो स्लैब सामने नजर आ रही है, इसमें हमने तीन लेंथे डाली हैं सरिये जी। इसमें तीन लेंथे सरिये की डाली हैं, क्योंकि ये नीचे अब हम ऊपर चुनाई करेंगे ना इसके ऊपर। ठीक है, तो फिर ये मजबूती है इसकी। तो इसमें आपने कितने सूत्र का सरिया डाला है? चार सूत्र का सरिया। चार सूत्र का, तो वो डालने का क्या फायदा, क्या मजबूती क्या इसमें होती है? मजबूती यही है कि अब इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, तो इसलिए इसकी सपोर्ट है ये नीचे। इसके साथ तो चुगाठ नहीं लगेगी? नहीं चुगाठ। लेकिन आपने ये चुगाठों के अंदर भी डाला हुआ है ना बीम जी? इसके ऊपर बीम नहीं डाला, इसके ऊपर हमने सरिया डाल दिया है वैसे। अच्छा। और इसका बीम जो है नीचे डाला, और इसके छत के ऊपर ज्वाइंट जो होना है, एक फुट का बीम वो ज्वाइंट होना छत के साथ। हाँ, तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि चुगाठ के ऊपर जो बीम हम डालते हैं जी, फ्रंट जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सामने जो चुगाठ आपको दिख रही है, इसके ऊपर जो है वो मिस्त्री भाइयों ने सरिया डाला हुआ है ना जी, मिसाला डाल। हाँ, मिसाल। हाँ, तो इसका फायदा बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि बस इसके ऊपर जितना भी वजन आएगा, ये चुगाठ को जो है ना, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो से तरेड़े वगैरह भी नहीं आते? ये है कि बस ये आप जब आप इसको निकालना चाहें तो इसकी जो ऊपर वाली जगह होगी ना, वो नीचे नहीं होगी। अच्छा, यानी कि ये चुगाठ आप इसे नीचे निकाल देते हैं ना, तो सरिये का ये फायदा होता है कि यहाँ पे ये चुनाई नीचे नहीं आती। और इसका क्या फायदा है? बस यही फायदा है, और बाकी सरिया लोहा तो लोहे होता है। अच्छा अच्छा, कुछ लोग डालते हैं कुछ नहीं डालते। हाँ, कुछ, यानी कि इसने नीचे मजबूती सही की हुई है, नीचे बीम डाला हुआ है हमने, तो इसीलिए हमने ऊपर तेगा नहीं लगाया। अगर बीम ना डाला होता नीचे, तो फिर हम इसके ऊपर तेगा लगाते। और इसका मेरे ख्याल डालने का फायदा ये भी है कि त्रेड़े वगैरह भी नहीं आती है ना? त्रेड़े तो मुकम्मल जितनी भी, यानी कि वो बाउंड्री होगी ना बिल्डिंग मुकम्मल जितनी, वो तो सबके अंदर हम जैक लगा देते हैं ना, कुंडी डाल के सारा तेगा लगा देते हैं। अब इसके नीचे सारा बीम डाला हुआ है, इसके ऊपर जो है ना तेगा और सरिया डालने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ जहाँ पे ये चुगाठे हैं और जहाँ पे हमारी खिड़की है, वहाँ पे हम ये सरिया डाल जी, वहाँ पे जैसे आपने वो सामने डाला हुआ है ना जी, सरिया डालने से आपकी मजबूती आ जाएगी? मजबूती भी आ जाती है। जैसे ये खाली जगह है, खाली फ्रेम है, ये इसके ऊपर हमने स्लैब डाल दी है, तो इसके ऊपर हम चुनाई आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वकार भाई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे इसके बारे में, चुगाठ के ऊपर सरिया डालने का क्या फ़ायदा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड्स में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।